आज हम आपको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे। तो इस प्रोसेस में डायफ्राम और स्पेशल सेट्स ऑफ मसल्स, कौन सी होती हैं वो, जो रिब्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और इन मसल्स को हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिब्स के बाहर की तरफ होंगी उनको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलेंगे, और जो रिब्स में अंदर की तरफ मसल्स होती हैं उनको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है। तो ये एक्सपायरेशन का प्रोसेस करने में या इंस्पायरेशन का प्रोसेस करने में डायफ्राम और इन दोनों सेट्स के मसल्स का रोल होता है। तो क्या होगा कि जब इंस्पायरेशन का प्रोसेस किस तरह से होगा, इसके लिए पहले जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने पर फ्लैट शेप में हो जाएगा, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रिब्स को ऊपर की तरफ खींचती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो उसके साथ साथ जब ये मसल्स जो हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स को बाहर की तरफ खींचेंगी, तो उसके साथ साथ स्टर्नम भी ऊपर की तरफ उठती है, जिसकी वजह से थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पर बढ़ जाता है। मतलब जो एक ये केज बना हुआ था इसका वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब इस पल्मो इसमें इंक्रीज होने की वजह से जो लंग्स हैं उनके अंदर का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो जब इंक्रीज होगा पल्मोनरी वॉल्यूम में, तो उस इन वॉल्यूम में इंक्रीज होने की वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। और हमें पता है कि जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है, तो बाहर एनवायरनमेंट से एयर जो है वो लंग्स की तरफ मूव करने लग जाती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, दूसरी बार में होगा कि जो डायफ्राम है, जो डायफ्राम है फिर से वो डोम शेप में आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो रिब्स के अंदर की तरफ वाली मसल्स हैं वो रिब्स को नीचे की तरफ खींचती हैं, जिससे कि जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है। अब थोरेसिक वॉल्यूम रिड्यूस होने की वजह से जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो भी थोरेसिक वॉल्यूम रिड्यूस होने की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि अब प्रेशर जो है वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा अगर अंदर का प्रेशर हो जाएगा तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है, जिसके वजह से एयर का एक्सपल्शन जो है वो लंग से बाहर एनवायरनमेंट की तरफ होने लगेगा, और इसी प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन कहेंगे। हम लोगों में ये एबिलिटी होती है कि हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, हमारे एब्डोमन में जो एडिशनल मसल्स होती हैं उनकी हेल्प लेकर हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं। एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन बींग जो है एक मिनट में 12 to 16 बार जो है वो ब्रीथ करता है, और एयर का जो वॉल्यूम ब्रीदिंग इन्वॉल्वमेंट में, ब्रीदिंग मूवमेंट जब ये होती हैं तो उसके अंदर जो एयर का वॉल्यूम होता है उसको एस्टिमेट करने के लिए जो हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको स्पायरोमीटर कहा जाता है। तो स्पायरोमीटर की जो भी रीडिंग आती है उसकी जो क्लिनिकल फंक्शंस, क्लिनिकल असेसमेंट करने में पल्मोनरी फंक्शंस का, कि हमारे लंग्स जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसमें इससे हेल्प ली जाती है स्पायरोमीटर की रीडिंग से। तो ये आपने पढ़ा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में।